कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस कदर जहर उगलते हैं, किस तरह से उनकी आलोचना करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। देश के लिए केंद्र सरकार के हर फैसले पर राहुल को आपत्ति होती है। विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में राहुल ने एक बार फिर एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने गुरुवार को हरिद्वार के मंगलोर में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सुनते नहीं है। राहुल ने कहा, इस लाइन का मतलब आपको मैं बताता हूँ, इसका मतलब है राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता, ये मेरी नहीं सुनता, इस पर मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं, उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता, इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता, उल्टा उनके अहंकार को देखकर मुझे हंसी आती है। देश को अरबपतियों और गरीबों के दो हिस्सों में बांटकर दो हिंदुस्तान बनाने के अपने आरोप को दोहराते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और गलत जीएसटी जैसे फैसलों को लागू कर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, किसानों और मजदूरों को बर्बाद कर दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। किसने रोका? हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने। टक्कर मोदी की कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है उनके अहंकार को देखकर, मुझे हंसी आती है। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली है। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने जनता से पूछा, क्या नोटबंदी से देश में काला धन खत्म हो गया? दरअसल काला धन सफेद हो गया और भाजपा को मिल गया। कोरोना के मुद्दे पर भी राहुल ने मोदी सरकार को घेरा और कहा, जहां दूसरे देशों ने अपने नागरिकों से इसे सावधान रहने को कहा, दूसरी तरफ मोदी ने लोगों से थाली बजाने और मोबाइल फोन की रोशनी जलाने को कहा। उन्होंने कहा, जब आपके माता पिता और बच्चों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत थी तो आपकी सरकार कहां थी? नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं,
मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया। आपको लाइन में खड़ा किया, नोटबंदी के समय आप खड़े थे लाइन में, आपको उस लाइन में कोई अरबपति दिखा? एक खड़ा था। अच्छा भाइयों बहनों बताओ, काला धन गायब हो गया, खत्म हो गया काला धन? उसके बाद गलत जीएसटी व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया और बीजेपी को मिल गया। तो उसके बाद गलत जीएसटी, और आज हालत क्या है? सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखो बेरोजगारी ही बेरोजगारी आपको दिखाई देगी। हिंदुस्तान आज अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। भाई और बहनों, देश को रोजगार कौन देता है? अरबपति नहीं देते हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है, छोटा दुकानदार देता है, छोटा बिजनेस वाला देता है। इन सबको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज उत्तराखंड का युवा कहीं भी देख ले, किसी भी प्रदेश में चला जाए, उसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना आया, बाकी देशों में नेताओं ने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो देखा आपने राहुल गांधी ने किस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।